नमस्कार, मैं प्रिया हाजिर हूँ आज एक रोचक खबर के साथ। जी हाँ, अब तक आपने बच्चों में ही बालू और मिट्टी खाने की आदत देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी किसी वृद्ध महिला को बालू खाते देखा है? ये वृद्ध महिला करीब 60 साल से बालू खाती आ रही हैं। बालू खाने का इनका शौक बचपन से ही शुरू हो गया था। ये पूरे वाराणसी जिले में लोगों के लिए कौतूहल का विषय बनी हुई है। तो चलिए देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ कोस कोस में पानी और चार कोस में वाणी बदल जाती है। भारत में विविधताओं से भरे लोग रहते हैं। इन्हीं में से एक है वाराणसी के चोलापुर इलाके की रहने वाली वृद्धा कुष्मावती देवी। कुष्मावती करीब 60 साल से लगातार बालू खाती आ रही हैं। ये सफेद बालू को घर पर ले आती हैं। इसके बाद इसे धुलकर सुखाकर इसे बड़े चाव से खाती हैं। इनके परिजनों ने बताया कि उन्होंने कुष्मावती की बालू खाने की आदत को छुड़वाने की बहुत कोशिश की। इसके लिए चोरी चोरी बालू में पत्थर और कंकड़ भी मिलाए, लेकिन इनके बालू खाने की आदत नहीं छूटी। परिजनों ने बताया कि ये पिछले 15 सालों से अनवरत बालू खा रही हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कुष्मावती देवी किस तरीके से बड़े मजे से बालू खा रही हैं। गई तो चोरी चोरी अपन खाए लगे ली। अब के मन करा मारा माई बाबू तब अपन भस के खाई। तेरे बेकार करी उकार करी ऐसे आदत हो गई। और जब खाए लगे तो मारानी पिटाई हम कही हम अच्छा लगा था खा तो वही आदत पड़ गई। बच्चे बोलते रहते हैं कि नहीं दादी बालू अच्छा चीज़ नहीं है, नहीं खाना चाहिए। तभी दादी का आदत पड़ी गया है, आदत से नहीं पीछे जा रही है। कुष्मावती केवल वाराणसी में ही नहीं बल्कि डॉक्टरों के लिए भी हैरत का विषय बनी हुई है। हालांकि डॉक्टर्स कहते हैं कि कुछ महिलाएं आयरन की कमी, मेंटल डिसऑर्डर के कारण बालू खाती हैं। बालू खाने की एक वजह शरीर में जिंक की कमी का होना भी है, लेकिन डॉक्टर्स ये नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर बालू खाने के बाद भी वृद्ध महिला अब तक बीमार क्यों नहीं पड़ी। फिलहाल इस खबर से इतना तो तय हो गया है कि डॉक्टरों और विशेषज्ञों को इस वृद्ध महिला का निरीक्षण करना चाहिए और देखना चाहिए कि बालू खाने के बाद भी ये इतनी स्वस्थ कैसे है। फिलहाल पूरा मामला शोध का विषय है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी इंडिया।